बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू इंग्लिश क्लास। स्टूडेंट्स ओपन योर इंग्लिश बुक्स। यूनिट फर्स्ट, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, रसूल ऑफ मर्सी। स्टूडेंट्स, इन आवर लास्ट लेक्चर वी हैव स्टडीड दैट हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सैड टू हिज फॉलोअर्स टू रिस्पेक्ट विमेन। आप सल्लम ने फरमाया कि औरतें जो हैं वो कमज़ोर होती हैं, सो वी शुड बी काइंड टू देम। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये भी फरमाया कि स्लेव्स के साथ, गुलामों के साथ हमें कैसा बर्ताव करना चाहिए। वी शुड ट्रीट देम काइंडली, एंड इफ़ दे डू एनीथिंग रॉन्ग वी शुड पार्डन देम इंस्टेड ऑफ ट्रीटिंग देम अनकाइंडली। ओके स्टूडेंट्स, लेट्स स्टार्ट आवर टूडेज लेक्चर। देयर वॉज एन ओल्ड मैन who used to bring water from a distant stream for his master. Distant का मतलब है दूर से, stream का मतलब है नदी। एक बूढ़ा आदमी अपने मास्टर के लिए, अपने मालिक के लिए एक दूर नदी से पानी लाया करता था। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, द प्रॉफिट ऑफ अल्लाह, पिटीड हिम। पिटी का मतलब है तर्स खाना या रहम करना। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह के रसूल ने उस बुरे आदमी पर तरस खाया, एंड हेल्प्ड हिम, और उसकी मदद की इन कैरिंग द वाटर, पानी लाने में। आफ्टर फिनिशिंग द वर्क, काम ख़त्म करने के बाद, ही सैड टू हिम, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस बूढ़े आदमी से फरमाया, डू रिमेंबर मी, मुझे याद रखना, वैन एवर, जब कभी, यू नीड हेल्प अगेन, तुम्हें दोबारा मदद की ज़रूरत हो, यानी जब तुम्हें दोबारा मदद की ज़रूरत हो तो तुम मुझे बुला देना, मैं आ जाऊँगा। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यूज्ड टू बाय एंड कैरी थिंग्स फॉर एवरी डे यूज़ फॉर विमेन हु कुड नॉट बाय और कैरी देमसेल्व्स। वो औरतें जो अपने लिए चीज़ें नहीं ख़रीद सकती थी, यानी कि उनके पास पैसे नहीं होते थे, वो पुअर होती थी, गरीब होती थी इस वजह से, ठीक है। वो औरतें जो अपने लिए चीज़ें ख़रीद नहीं सकती थी या वो उन्हें कैरी नहीं कर सकती थी, बिकॉज़ उनका सामान जो था वो हैवी होता था, इस वजह से उनको कैरी नहीं कर सकती थी, तो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनकी हेल्प करने जाते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनका सामान ख़रीदते भी और उठाकर उनके, और उनकी जो रोज़ाना यूज़ की जो चीज़ें होती वो उठाकर भी लेकर जाते थे। स्टूडेंट्स, पेज नंबर 4 पे मूव करते हैं। वन डे अबू सुफियान सैड टू हिम, एक दिन अबू सुफियान ने आपसे उनसे कहा, इट डज़ नॉट सूट यू टू कैरी थिंग्स फॉर द पुअर एंड लो पीपल, ये तुम्हारे साथ मुनासिब नहीं लगता या ये तुम्हारे साथ अच्छा नहीं लगता, ये तुम्हारे लिए सूटेबल नहीं है, तुम्हारे साथ अच्छा नहीं लगता कि तुम पुअर, गरीब लोगों की और लो पीपल की, यानी कि कमतर लोगों की के लिए चीज़ें उठाओ या उनका सामान उठाओ या उनका काम करो। I am the grandson of Hashim who served the rich and the poor alike and never hated the low, said Hazrat Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. अब आप सल्लम ने क्या जवाब दिया कि आई एम द ग्रैंड सन ऑफ हाशिम, मैं हाशिम का पोता हूँ, हु सर्व्ड द रिच एंड द पुअर अलाइक, जिसने अमीरों और गरीबों की एक ही जैसी खिदमत की है। सर्व्ड का मतलब है खिदमत की, एंड नेवर हेटेड द लो, और कभी भी कमतर या गरीब लोगों से नफरत नहीं की। ही वॉज़ काइंड टू बर्ड्स एंड एनिमल्स टू, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जानवरों और परिंदों पर भी नहायत मेहरबान थे। वन डे ही सॉ अ कैमल ड्राइवर बीटिंग हिज कैमल टू गो फास्टर, एक दिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा कि एक ऊँट का मालिक अपने ऊँट को तेज़ भगाने के लिए मार रहा है, बीटिंग का मतलब है मार रहा है। ही वॉज हिटिंग हिज कैमल टू गो फास्टर। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एडवाइज्ड द कैमल ड्राइवर, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऊँट के मालिक को एडवाइस किया, नसीहत की, बी काइंड टू योर एनिमल, अपने जानवरों पर रहम करो, इट इज़ ओल्ड एंड वीक, ये बूढ़ा हो गया है और कमज़ोर है, एंड द लोड इज़ टू हैवी, लोड का मतलब है वज़न, जो बोझ उस ऊँट पर रखा गया था, ठीक है, एंड द लोड इज़ टू हैवी, और इस पर वज़न जो है, बोझ जो है, वो बहुत भारी है। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ट्रीटेड इवन हिज एनिमीज़ विद काइंडनेस, हज़रत मोहम्मद सल्लम ने हत्ता कि अपने दुश्मनों पर भी रहम किया, उनके साथ भी मेहरबानी का सलूक किया। इन द बैटल ऑफ हवाज़न के जंग में, ही सेट फ्री एज मैनी एज 6,000 प्रिजनर्स ऑफ वार, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जंग के तकरीबन 6,000 कैदियों को, प्रिजनर्स का मतलब है कैदी,
जंग के 6,000 कैदियों को फ्री कर दिया, आज़ाद कर दिया, यानी कि उनको सज़ा नहीं दी बल्कि उनको आज़ाद कर दिया। वैन मक्का वाज कंक्वर्ड, कंक्वर्ड का मतलब है जीता गया या फतह किया गया। जब मक्का फतह किया गया, ही फॉरगेव ऑल हिज एनिमीज़, फॉरगेव का मतलब है माफ़ किया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने तमाम एनिमीज़ को, तमाम दुश्मनों को माफ़ फरमा दिया। हु हैड गिवन हिम मच ट्रबल ड्यूरिंग हिज लाइफ इन दैट सिटी, उन दुश्मनों को यानी कि माफ़ फरमा दिया जिन्होंने उस शहर में रहते हुए यानी कि मक्का मुकरमा में रहते हुए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बहुत सी ट्रबल दी, बहुत सी तकालीफ पहुँचाई। स्टूडेंट्स, आज का लेक्चर यहाँ कंप्लीट हो जाता है। इस लेक्चर को सुने और जो मुश्किल वर्ड्स हैं उसको 2 से 3 मरतबा लाउडली रीड करें। और आपको असाइनमेंट दे रही हूँ आपके इस यूनिट फर्स्ट के जो एक्सरसाइज है पेज नंबर 5 पे कॉम्प्रिहेंशन में पार्ट ए जो है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस, उसमें पहले 2 क्वेश्चंस जो हैं उनके आपने आंसर्स देने हैं। अपनी रफ़ नोटबुक पे साफ साफ करके काम लिखना है और फिर उस असाइनमेंट की जो पिक्चर है वो मुझे इनबॉक्स करनी है। याद रखिए आपका होमवर्क या असाइनमेंट जो मैं रफ़ पे देती हूँ करने को, वो जितने भी पेजेस पर आए हर पेज पर आपने अपना नेम लिखना है, फुल नेम, ओके। हर पेज पे, ये नहीं कि पहले पेज पर ही लिखकर उन सब पेजेस की पिक्चर सेंड कर दें, आपने हर पेज पे अपना फुल नेम लिखना है, ग्रेड लिखना है और सब्जेक्ट लिखना है और साथ में डेट भी मेंशन करना है। ओके, थैंक यू, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।